हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिजिक्स का प्लस टू क्लास का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलेट नहीं करी, सीधा नहीं जा रही,
ये ना ऐसे खींच रही है ना ऐसे खींच रही है. आर यू गेटिंग वाई दोस विल स्ट्राइक यू पे नेट फोर्स बच्चे कितना लग रहा है जीरो. नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इज जीरो. क्लियर. अब देखो बेटा जब इस डाइपोल पे अपना नेट फोर्स क्या है जीरो. अब देखो क्या हुआ इस पे नेट फोर्स जीरो है पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है. टॉर्क क्या होती है जब ट्रांसलेटरी मोशन हो तो वर्ड होता है अपना फोर्स. जब रोटेटरी मोशन हो तो आपका वर्ड क्या होता है बेटा टॉर्क. अब देखो अब ये फोर्स ऐसे लग रहा था ये ऐसे लग रहा था तो ये क्या करेगा डाइपोल रोटेट. क्या करेगा बेटा ये डाइपोल रोटेट. ये ऐसे समझ के तो ये कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज. अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है. अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो हम अब क्या निकाल सकते हैं इस डाइपोल पे टॉर्क. टॉर्क निकालने का आपका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये क्या कर रहे हैं रोटेट ऐसे इसके अलावा ये क्या होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या होगी बेटा इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके अलावा ये क्या कर रहा है रोटेट. क्लियर है. तो हमारे पास स्ट्रोक निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर. तो अब देखो ये हमारे पास ऐसे हैं ये ऐसे इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर. अब इसमें आप देखो ये डाइपोल है ये डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है. हमने इसको किसी एंगल पर रखा है. आप देख पा रहे हैं ये डाइपोल है ये फील्ड है इससे किसी एंगल पर है. मान लो सपोज इसके साथ कितने एंगल पे है थीटा एंगल कितने एंगल पे है थीटा. क्लियर. दैट डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो फोर्स फोर्स है कितना क्यू ई. या तो ये फोर्स ले लो चाहे ये लो उसका लेना क्या है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स क्यू ई माइनस का क्या हो जाएगा प्लस. अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाए देखो ये हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये क्या लग रहा है फोर्स. तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे ये हमारे पास एक डाइपोल था इस पर फोर्स कैसे लगा ऐसे. ठीक है ऐसे लगा फोर्स ऐसे रोटेट किया और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या है ये रोटेट कर रहे हैं. क्लियर है. इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहे हैं रोटेट. तो ये जो फोर्स लग रहा है और जो ये एक्सिस है उनके बीच का अपन ने क्या लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या लेना है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये इसकी एक्सिस है ये ऐसा फोर्स लग रहा है तो ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सिमिलर मैनर में ये इसका फोर्स लग रहा है और ये स्टेंस तो ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ए पे क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर. ए भी बेटा क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्लियर. अब ए भी हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं. फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपो. परपेंडिकुलर कितना है ए बी. हाइपो कितना है हमारे पास टू एल. तो ए बी बेटा कितना आ जाएगा टू एल साइन थीटा.
फील्ड में रखते हो लिखना जीरो, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होता बेटा। नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो ये क्या करेगा, डायपोल रोटेट, रोटेट करेगा तो क्या लगेगी टॉर्क, टॉर्क पर हमने क्या लगा दी हूँ फॉर्मूला, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमारे पास टॉर्क बन गया अभी तक क्यू ई, टॉर्क बनी बच्चा क्या क्यू ई टू एल साइन थीटा, आपने तो किस फॉर्म में लिखना है डाइपोल की फॉर्म, क्यू इंटू टू एल क्या होता है पी, तो क्या बन गया पी ई साइन थीटा, फॉर्मूला क्या बन गया टॉर्क का बोलो पी ई साइन थीटा। ये हमने जनरल केस निकाल लिया है किसी भी एंगल पे, क्या निकाल लिया किसी भी एंगल पे, क्लियर। हम हमारे पास जो भी केसेस होंगे उसमें पुट करके हम अब क्या निकाल सकते हैं टॉर्क। अब एक और बात देखो, पी क्या है डाइपोल मोमेंट, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, ई भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकती हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस में ई, क्या मैं इसको पी क्रॉस पी लिख सकती हूँ, क्यों मैं इसको पी क्रॉस ई लिख रही हूँ और ई क्रॉस पी नहीं लिख रही, इसके पीछे एक रीजन है। देखो ये कैसे रोटेट कर रहा है डाइपोल क्लॉक वाइज, कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉक वाइज, ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है पी से ई, कहाँ जा रहा है ये पी से ई जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है पी क्रॉस, क्या लिखा मैंने बेटा पी क्रॉस ई, कैसे जा रही है पी से ई की तरफ, कैसे जा रहा है ना, क्योंकि ये फील्ड क्या कर रहा है डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में क्या करना चाहता है अलाइन करवाना चाहता है, ठीक है, क्या अपने डायरेक्शन में लाना चाहता है, इस फील्ड का काम क्या है इस डाइपोल को क्या करना चाहता है अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना है, तो ये कैसे जा रहा है पी से ई, समझ आ गया बात, कैसे जा रहा है पी से ई, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी सर पी से ई, कहाँ से होगी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये आपके क्या निकल गई फॉर्मूला निकल गया टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, जो डाइपोल होता है अगर यूनिफॉर्म फील्ड में बैठ रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या लगता है जीरो। अब हम उसको स्पेशल केस बनाते हैं, यदि जनरल केस का आपका जब आपका डाइपोल किसी एंगल पर, अब हमने स्पेशल केस बनाया थीटा 90, थीटा 90 का मीनिंग क्या है, ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ गया, ये क्या बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका डाइपोल है वो कैसे रखा है इससे 90 डिग्री पे, तो ये मान लो माइनस क्यू है, ये क्या आपका प्लस क्यू, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है माइनस से प्लस, क्लियर, तो ये डाइपोल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है फील्ड के साथ 90, तब टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला बोलो पी पी साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो टॉर्क कितनी लगेगी पी ई, ये टॉर्क होती है आपकी मैक्सिमम, अगर इस कंडीशन में आपका ये पड़ा है डाइपोल तो इस कंडीशन में आपकी टॉर्क क्या लगेगी मैक्सिमम, क्लियर। अब अपना है थीटा जीरो, मालूम थीटा कितना है जीरो, थीटा जीरो मीन्स टॉर्क पी ई साइन जीरो, साइन जीरो बोलो साइन जीरो का है जीरो, और टॉर्क कितनी लगेगी जीरो, इसका मीनिंग देखो डायग्राम में, ये आपके पास क्या हो गया बच्चे फील्ड, और जो डाइपोल है वो भी कौन सी डायरेक्शन में इसी में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो, तो अब हम इसे बोलेंगे टॉर्क जीरो, ठीक है,
जब हमारे पास डाइपोल फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, तो टॉर्क कितनी लगती है? जीरो। और एक पॉइंट और नोट करना है आपने, इसको बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं जी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट विल यू से इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या मीनिंग होता है स्टेबल अनस्टेबल का भी समझते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं थीटा 180 होता है। क्या हो गया हमारे पास? थीटा 180। थीटा 180 में साइन 180, साइन 180 इज आल्सो माइनस क्यू प्लस क्यू। ये हो गया पी की डायरेक्शन। थर्ड केस, व्हेन थीटा इज 180, थीटा 180 मींस टॉर्क पी इन साइन 180, साइन 180 जीरो, टॉर्क विल बी ना जीरो, टॉर्क जीरो। देखो क्लियर, दिस इज एंटी पैरेलल टू फील्ड, डायपोल इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड। अब भी टॉर्क जीरो, तब भी टॉर्क जीरो, तब मैंने नाम दिया स्टेबल, इसको मैंने क्या नाम दिया? अनस्टेबल। क्या डिफरेंस होते हैं? अब देखो, ये मान लो फील्ड था अपना, ये इसमें अपना डाइपोल रखा था माइनस से प्लस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमने इस डाइपोल को मान लो तुमने रोटेट कर दिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पे प्लस क्या होगी और यहाँ पे आपका माइनस क्या होगी। ये फिर से जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, टॉर्क लगेगी, इसको इसी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। ये सुनो, दिख रहा है? इसे हम बोलेंगे स्टेप। क्या बोलेंगे? स्टेप। क्लियर? ओके, अब मान लो इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे, क्लियर? तो यहाँ प्लस क्यू चला गया और यहाँ पे क्या चला गया? माइनस क्यू, ठीक है। तो ऐसे रोटेट कर दिया आपने, तो इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर। अब ये कहाँ जा रहा है? डाइपोल की डायरेक्शन में लाइन होगा, क्योंकि फील्ड का काम क्या है कि डाइपोल को क्या करना चाहते हैं, अपनी डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, एनी डाउट? तो अब क्या होगा, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये तो कुछ पहले भी ऐसे था, अभी भी उसी डायरेक्शन में हुआ। ये पहले कैसे था ऐसे, और अब यहाँ पे प्लस आ रहा है और इधर क्या जा रहा है? माइनस जा रहा है, समझ लो। तो इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। कहने का मीनिंग क्या है? वो थीटा जब 90 है उस केस में आपकी टॉर्क मैक्सिमम, नो डाउट। किसी एंगल पे हम निकाल लेंगे पी साइन थीटा से, जीरो और 180 दोनों केसेस में टॉर्क क्या आती है? जीरो। टॉर्क जीरो को मैंने बोला जब जीरो एंगल था तो स्टेबल, जो 180 एंगल था तो मैंने क्या बोला? अनस्टेबल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, कि जब मैंने इस ड्राइवर को मान लो थोड़ा सा रोटेट किया तो यहाँ पे फिर से उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ठीक है, जहाँ जिसमें था। जबकि इसमें रोटेट किया तो ये उसी डायरेक्शन में अलाइन नहीं हुआ। देखो यहाँ मैंने ऐसे घुमाया तो इस पे ऐसे फोर्स लगा, इस पे ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट करेगा क्योंकि इस फील्ड का काम क्या है? अपने डायरेक्शन में अलाइन करना। उस कंडीशन में से क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये क्या हो गया? टॉप। ये क्या हो गया? टॉप। आगे हम यहाँ से डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे? एक नहीं, नई डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? देखो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1। साइन थीटा भी कितना है? 1। तो थीटा कितना होगा? 90। इफ, ठीक है, फील्ड 1, थीटा साइन थीटा 1, तो टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा? पी। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं अनदर फॉर्म में, किस टर्म में? टॉर्क के टर्म में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल है न्यूमेरिकली? टॉर्क के। जब आपने डाइपोल को फील्ड के साथ कितने एंगल पर रखा है? 90 के, और आपने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है?
इन्होंने जैसा ब्रैकेट पर थोड़ा अप्लाई किया है इन्होंने, डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट टॉर्क, और यू कैन से यू कैन राइट हियर पी इज इक्वल टू टॉर्क, डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एंड डाइपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको इसमें ये पॉइंट जो याद रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स टर्म के लिए जीरो, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स हमारी नेट फोर्स जीरो नहीं होती। तो आपको फॉर्मूला क्या आया था, पी ई साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो पी क्रॉस सी, जब थीटा जीरो हो और 180 हो तो टॉर्क कितना होता है जीरो, और जीरो पे स्टेबल बोलते हैं, 180 पे अनस्टेबल बोलते हैं। तो बोलते हैं ब्रिजर, मैंने आपको बता दिया, थीटा 90 होता है टॉर्क के लगते हैं मैक्सिमम, कोई भी एंगल गिवन हो उस पर हम फॉर्मूले से कैन पा सकते हैं टॉर्क। दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम यही काफ़ी इतने लेक्चर पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर ओके।